उसके साथ साथ आगे जजेस की सीक्रेट टेप्स जो हैं वो रिकॉर्ड हुई, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बेनजीर भुट्टो की हुकूमत कैसे गिरी और जनरल असलम बेग ने उस हवाले से क्या कहा, ये सब बातें आपके सामने रखेंगे। मसूद शरीफ खट्टक, आपसे मेरा पहला सवाल, खैर मैं कहूंगी कि ओवर टू यू, सवाल मेरा क्या है, लेकिन फिर भी मैं हम जानना ये चाहते हैं, बहुत मरतबा इस पे बात हुई कि जो सीक्रेट टेप्स आपने रिकॉर्ड की जिसमें ये पता चला, ये गुफ्तगू हुई कि बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत जो है वो गिराने की बात हो रही है, वो आपको कैसे इस चीज का पता चला और आपने किस तरीके से जो है ये ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल इसका नाम रखा, बताइएगा कुछ हमें। देखिए, बात ये होती है कि हमेशा इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस जो आती है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ आती है। एंड इसमें एक थे, देयर वाज अ जेंटलमैन, उनका नाम है मुमताज मलिक। तो उन्हें पता चला था बिकॉज ऑफ द एमएनए डायरेक्टली, उनके साथ उनका एक कांटेक्ट था, शेखुपुरा के थे ज्यादातर। तो उन्होंने जब उसको बताया कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उन्होंने एक अपना जरिया इस्तेमाल किया, एक बीबी को खबर पहुंची थ्रू अनऑफिशियल सोर्सेस, लाइक नॉट द इंटेलिजेंस सेटअप, राइट? इट रीच्ड द प्राइम मिनिस्टर कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो देन आफ्टर दैट आई वाज आल्सो आस्क्ड बाय हर, क्योंकि वो एमएनए जो थे उन्होंने भी अपने किसी दोस्त को बोलना था कि क्या वो उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास तो नहीं आते हैं। पता जरूर होता है कि कौन क्या कर रहा है, हु इज डूइंग व्हाट, बट दिस इज हाउ इट हैपेंड। सो दैट जेंटलमैन ब्रॉट इट टू द नोटिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर थ्रू वन रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे, राव अख्तर साहब, ए नाइस जेंटलमैन। तो बिकॉज ही दे वर रिलेटेड, तो बहरहाल इंफॉर्मेशन रीच द प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने फिर उस वक्त मुझे कहा कि ऐसा कुछ होने वाला है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? So I said, well, you've told me, and now, inshallah, we'll do what we have to do. तो उसके बाद फिर वो उनके सारा ऑर्केस्ट्रेशन के वो मिलेंगे कहीं पर, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, तो वो लोकेशन भी इन्हीं मुमताज साहब के रेजिडेंस पे था, समवेयर इन वेस्टबिज, अच्छा ठीक है? तो वो जी, 2-3 रातें हैं, वो उन लोगों की मुलाकातें हुई मुख्तलिफ डेट्स पे, एंड यू नो द एमएनएज वर बीइंग टोल्ड कि आप बेनजीर को छोड़ दें और ये वो। तो वो काफी 6-7 MNAs, इसका बड़ा फर्क पड़ता था। सो दैट वाज ऑल ब्रॉड ऑन टेप बिफोर, अब क्योंकि वो सारा कुछ रात को होता था, तो बस वो उस वजह से नाम आ गया मिडनाइट जैकॉल, बिकॉज़ यू नो इट जस्ट क्रॉप्ड अप, ठीक है? अब उसमें जो किरदार आपने दोनों कहे हैं, देखें इस ऑपरेशन पे इतना कुछ कहा गया हुआ है, हर एक दूसरे को रिफ्यूट करता है, बट द फैक्ट इज दैट इट ऑल हैपेंड, राइट? It all happened, it's all there. Somebody says I was there on somebody's instructions, that's why I was talking like this, वगैरह वगैरह. But the fact is that this was all happening, and it didn't happen because of this midnight jackal, because there was solid proof on cassettes and recordings, वगैरह सारा. So eventually, you know, it went through, and I had at that point of time written a letter to the Prime Minister officially that all this constitutes treason against the constitutionally elected government. तो बहरहाल वो फिर मिलिट्री सोर्सेज में वो ट्राई हुए वो ऑफिसर्स, एंड दे वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस और समथिंग लाइक दैट, बट नॉट वेरी हैवी पनिशमेंट और एनीथिंग। तो उसके बाद ये कि हर एक का अपना अपना मौकफ रहा है ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम, बट आई विल से जस्ट दिस मच दैट इट हैपेंड एंड ऑल ऑफ इट वाज रियल, देयर वाज नथिंग फिक्टिशियस अबाउट इट। उसके लिए कोई ऐसा मसनूई बातें नहीं थी, हकीकत था सब कुछ, एंड हुआ था बिकॉज एक मोड ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहा था सारा, सो इट वाज नॉट अ जी जोक दैट वाज हैपनिंग। और जी ठीक है, आई थिंक इट प्लेड अ बिग रोल इन द फैक्ट दैट कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं हुआ। राइट। आपने जो कहा ये तो बिल्कुल सब जानते हैं कि ये हकीकी बात था, ये ऑपरेशन था, ये सब कुछ हुआ था। इसकी वजह ये है कि जो टेप्स सामने आई उसमें जो गुफ्तगू सुनाई दी, अगर मैं थोड़ी सी वो भी बता दूं कि गो के ब्रिगेडियर इम्तियाज और मेजर आमिर जो थे उन दोनों का मौकफ अलग अलग था। एक ने जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक ने कहा कि ये उनके लिए, मेजर आमिर ने कहा कि ये हनी ट्रैप था, जबकि ब्रिगेडियर इम्तियाज ने ये कहा कि ये सिर्फ उनका नहीं था, वो तो इंटरनल सिक्योरिटी को देख रहे थे। इसमें जाहिर है कि उन्होंने कहा कि एक ट्राइंगल है, एक प्रेजिडेंट गुलाम इसहाक खान और दूसरी जानब जनरल असलम बेग, तो उन्होंने कहा ये एक ट्राइंगल है। उनका ये बात एक टेलीविजन प्रोग्राम में उन्होंने बैठ कर कही थी। देखिए, ब्रिगेडियर इम्तियाज उस वक्त ISI से जा चुके थे, तो
और ये कमांडेंट थे इंजीनियर सेंटर रसालपुर के, ठीक है जी. इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस सेटअप एट दैट टाइम. बिगड़ा ये मेजर आमिर जो था ये इस्लामाबाद का डेट कमांडर था आईएसआई का, ठीक है. सो ही सेज दैट आई वाज आस्क्ड बाय माय डीजीआईएसआई टू गो एंड फाइंड आउट कौन से एमएनए इधर उधर हो रहे हैं ये वो. सो दैट इज व्हाई आई वेंट. बट आई मीन आई डोंट बाय दैट स्टोरी. ओके, Imtiaz had no business to be there because he was not even in the ISI to find out anything or anything. But wo purani aadat thi because he had been in the ISI and intelligence for a long time. So he had to do that. But anyway, baat sari ye hai ke they were in tapes mein, kyunki iski transcription sari maine khud banayi hai. I've listened to these cassettes and made the transcripts myself. So I know what was all there inside in those cassettes. उसमें बड़े साफ कोट करते होते थे जनरल साहब को, असलम बेग साहब को. अब असलम बेग साहब ने भी आज तक क्लियर नहीं किया कि उन्होंने इनको ये कहा था नहीं कहा था वगैरह. दैट इज समथिंग दैट ही शुड क्लैरिफाई कि उन्होंने इनको भेजा था वहां के नहीं भेजा था. बट बहरहाल द फैक्ट इज दैट देखें वो जिस पीरियड की आप बात कर रहे हैं ना, उस वक्त मोहतरमा की गवर्नमेंट जब आई उससे पहले इट्स ऑन रिकॉर्ड के जनरल अमित गुल ने एक दफा नहीं को 50 दफा कहा होगा टेलीविजन पे कि उन्होंने आईजीआई बनाई थी. अब जो आईजीआई बनाने का मकसद था बेसिकली इट वाज दिस दैट पीपीपी शुड नॉट कम टू पावर बिकॉज शी वाज द ओनली पर्सन उस वक्त होराइजन में मोहतरमा थी कि जिनको नजर आता था कि शी इज अ पिलर दैट कैन ब्रिंग अबाउट रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन द रियल सेंस. तो जो फोर्सेज उसके खिलाफ थे कि ये डेमोक्रेसी आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, तो दे मेड दोस प्लान्स लाइक आईजीआई एंड द रेस्ट ऑफ इट के ये पावर में ना आ सके. तो ये सारी कड़ियां बेसिकली वही चीज थी. इट वाज द टसल. और अगर आप देखें आई विल से इट लाइक दिस कि लुक द कंट्री हैड 10 इयर्स ऑफ मार्शल लॉ फ्रॉम 79 टू 1988 और वो भी जहाज क्रैश हुआ वरना शायद 10 साल और भी गुजर जाते. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इट वाज द ट्रांजिशन फेज फ्रॉम martial law to democracy. So obviously dono taraf ke mindsets were there. There were people who wanted democracy to take good footing. There were people who thought why should we have democracy at all, and what jo jis tarah pehle chal raha tha, whether you have power right up front or you have it behind the curtain, but the power should rest with the establishment. To ye tussle 10 साल की हुकूमत जब एक खत्म होता है एक सिस्टम तो वो एकदम तो गिव अप नहीं करता. इट्स नेचुरल. तो वो टसल फिर आपका 10 साल चला. उसमें कई मिडनाइट जैकॉल्स आए गए जो पता लगा नहीं पता लगा. सर उस पे भी बात करते हैं. मसूद शरीफ खटक साहब जरा रुक जाइए यहाँ पे, आप मेरे साथ इस पॉइंट पर जरा रहिएगा, कुछ और इसकी बातें कर लेते हैं, फिर हम अगले जो बहुत सारी बातें मुझे पता है आपके पास कहने के लिए मौजूद हैं. क्योंकि इसमें कुछ और एक ये एंगल भी इसमें सामने आया था कि जो टेप सामने आई थी उसमें एक ये गुफ्तगू भी उनकी सुनाई दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि फौज के सरबराह ने कह दिया कि बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को खत्म होना होगा और फौज का कोई शख्स बेनजीर के भारत के साथ तालुकात जो है उसको पसंद नहीं करता. और इसी दौरान जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी भी पाकिस्तान आए और उस वक्त कहा जा रहा था कि प्रेसिडेंट इसहाक खान जो हैं गुलाम इसहाक खान वो चाहते थे कि वो भी उस दौरान बातचीत का हिस्सा बने. बेनजीर भुट्टो ने उनको अलग रखा जिस इस वजह से बहुत ज्यादा ये बात नापसंद की जा रही थी कि इंडिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं और वो राजीव गांधी वहां पर आए हैं. तो ये भी एक एंगल मौजूद था. देखिए प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, आई वर्क्ड विद हर, आई नो हर सो वेल. एनीबॉडी को ये कहे कि वो पाकिस्तान के लिए या इंडिया के साथ और ऑल दिस नॉनसेंस इज एब्सोल्यूट व्हाट टर्म शुड आई यूज, इट डजंट मीन अ थिंग. ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट पेट्रियट्स दैट आई हैव सीन इन माय लाइफ एंड आई एम आल्सो फ्रॉम द आर्मी. आई हैव सर्वड द आर्मी. बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ हैज बीन इन द आर्मी. General Babur was, very decorated soldier, Hilal-e-Jurrat and Sitar-e-Jurrat and all that. Ab hamare jaise aadmi unke saath ho, agar India ke saath hote aur main unka intelligence chief hota, ho sakta hai kabhi? General Babur jaisa aadmi jo army mein jange ladke Hilal-e-Jurrat, Sitar-e-Jurrat aur year wo, aur wo phir he will serve a prime minister who will be soft on India and against the interests of Pakistan. Is it possible? Yeah, this is all propaganda and all nonsense, absolutely has no zero value.
शी वॉज अ पेट्रियट. एंड अगर उस वक्त देखें, अगर उन्होंने कहा कि रिलेशन अच्छे होने चाहिए, तो आज आप क्या कह रहे हैं? आज भी आप वही बातें कर रहे हैं. बट इन द प्रोसेस यू हैव लॉस्ट 20 years, इन द प्रोसेस यू हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 25 years फॉर वट एवर यू पॉलिसी यू वॉन्ट टू फॉलो. तो ये बात जो है ना, बिल्कुल कोई अहमियत नहीं रखती है. एंड देन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, देखें, मोहतरमा वॉज अ वेरी स्ट्रांग लेडी, वेरी स्ट्रांग लेडी. अगर उनको किसी तरह भी उस वक्त कॉम्प्रोमाइजेज या जैसे भी हुकूमत में लाया गया या दिया गया, शी वॉज नॉट द काइंड ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर हु वुड जस्ट सिट बैक एंड टेक एनी काइंड ऑफ वट एवर. शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, शी वॉज एक्टिंग एज द प्राइम मिनिस्टर, एंड शी सेड, यस, I am the Prime Minister. I am going to handle all this. What is the President got to do with it? He was just a figurehead President, except for the powers of 58 to be. That President had nothing. So why would the Prime Minister allow him to take charge of the Pakistan-India foreign policy? So I think she was 200% right in doing that. That, you know, yes, this is my initiative. I am the Prime Minister of the Republic of Pakistan. And I am the person who is responsible to the people of Pakistan. So, अगर उसपे कोई नाराज हुआ उनसे, ये वो, that is why she didn't last for too long. Yeah, all right. मसूद शरीफ खटक साहब, एक इसमें एक और बात, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कोर्ट मार्शल चाहती थी, लेकिन वो नहीं किया गया क्योंकि जनरल असलम बेग ने कहा कि ये जो मतलब जो एविडेंस है वो पूरी नहीं है, मैं जो जो एविडेंस उनके पास पहुंची है उस बिना पर वो उनका कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते, जिस पर वो बीबी शायद नाराज भी हुई और उनको फिर वो जो सजा मिली कि अब उनको ओहदों से हटा दिया गया या इस तरह. तो आप क्या समझते हैं कि क्यों नहीं उनका? नहीं नहीं, एविडेंस में कोई कमी नहीं थी, कुछ वो नहीं था. बट द पॉइंट इज, क्या देखे ना, इट वाज देन इन द बॉल वाज इन द कोर्ट ऑफ, इंसिडेंटली मैं ये कहता चलूं कि जनरल असलम बेग मेरे बड़े हैं, मेरे सीनियर हैं, और वी आर फ्रॉम द सेम इन्फेंट्री बटालियन ऑल्सो, वी 16 बलूच, he's also 16 Baluch, I'm also ex-16 Baluch. So, ek bada rishta hota hai fauj mein, that you share a battalion. So the point is, but unfortunately, halat aise le aaye ki I was working with Benazir Bhutto and he and they didn't get along and all that. So sorry, the, you know, so in the process, well, I have to tell the truth. And the truth is that wo jo kuch bhi case unke samne gaya tha, wo usko adjudicate was his responsibility. And I thought if he was ready to say okay, but this is good enough, so I don't think the Prime Minister had any say in that anymore. ठीक, लेकिन जो आपने बात की ना, मेजर आमिर ने एक जगह पर ये कहा एक इंटरव्यू में कि इस सारी साजिश में इंडिया इन्वॉल्व था, उनके खिलाफ उन्होंने कहा कि मैं तो इस तरह के बहुत से उसमें पहले भी जो है वो काम करता रहा हूँ, ऑपरेशन और ये सारे, तो ये जो है ये उन्होंने एक बात कही. Again, I wouldn't like to talk too much on Major Amir or Brigadier Imtiaz for the simple reason they were characters, they came, they played their role, everybody knows their role, everybody has heard them on TV, they have had ample opportunity to clarify themselves. Baki ab ye ke, I don't know at that level, because at a level of a captain or a major or a lieutenant colonel, how India would get involved with somebody at that level, I don't know. Sir, वो वही करेंगे तो कोई ना कोई तो चीज बनाएंगे, जिस तरह जनरल बेग ने कहा कि एविडेंस पूरी नहीं है, हालांकि जो कुछ सामने आया, जो गुफ्तगू इवन की हर जगह तमाम टेलीविजन चैनल्स पर चली, जिस तरह कहा गया कि वो कोशिश कर रहे थे कि मोहतरमा की जो हुकूमत है वो उसको गिराना है, तो वो तो एविडेंस पूरी थी. लेकिन बहरहाल चलिए हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं. They were players in the game and everything. उन्होंने अपना जो कुछ किया मौकफ किया. हम लोग ने the other side, like myself, we've given our point of view. But the point is, yeah, all that happened over there was unconstitutional. There was a constitutional government thi. It was came in through the constitution of Pakistan, and it should not have. There should have been no effort, iota effort, to bring down that government. So anything that was meant to bring down that government was wrong. कुछ भी जो किया गया उस हुकूमत को गिराने के लिए वो जी जी जी, इससे तो सर बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता. मैंने किया, किसी और ने किया, एनीबॉडी, जिसने भी किया गलत किया. जी ठीक सर, जरा इस टेप से थोड़ा सा हम आगे अगर आ जाएं, क्योंकि वो तो हम जानते हैं ना कि वो एक कई तरह के बहाने बनाए जा सकते हैं कि भारत ये कर रहा था, वो कर रहा था. वैसे तो हम सारा अपने जितने भी ऐसी चीजें होती है उसका मलबा हम चीजों पे डाल देते हैं. लेकिन एक चीज मैं यहाँ क्लैरिफाई करता चलूं, ये जो इंडिया की आप बात कर रहे हैं ना,
आई मीन द पॉइंट इज के एक यहाँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रहा था, सब कुछ अंदरूनी था, इट वॉज इंटरनल मैटर्स ऑफ पाकिस्तान एंड वेयर एवरी प्लेयर वॉज प्लेइंग हिज गेम, देयर वॉज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया इन दैट. ओके ओके ठीक. अगर मुझे कोई रिफ्यूट कर सकता है, आई एम रेडी टू फेस दैट पर्सन. ठीक, ऑलराइट. जो कुछ भी हुआ हम खुद किया, हम लोगों ने किया एक दूसरे के साथ, उसका नफा नुकसान पाकिस्तान को हुआ, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, आज 30 साल बाद आप लोग खुद सोच सकते हैं. ठीक, अब हम दोस्ती की तरफ जो बढ़ रहे हैं और जो नहीं, कुछ भी वो अलग, वो अलग. मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द चीफ कटक साहब. एक और जजेस की सीक्रेट टेप्स के हवाले से भी कुछ चीजें थी उसमें भी जो है वो आपका, आप जाहिर है कि बहुत अहम. ये आप नाउ यू हैव टेकन अ हॉप from the first government to the second government. चलिए अब आप पहले आप मैंने जो कि उस पे बात कर लेते हैं अगर आप चाहते हैं. जो जब पहली गवर्नमेंट में जो कुछ भी हुआ ना, फॉर इंस्टेंस उसमें ये मिडनाइट जैकॉल वाज जस्ट अ पार्ट. लोग अक्सर समझते हैं कि शायद ये ऑपरेशन आईएसआई ने लॉन्च किया. आईएसआई ने नहीं लॉन्च किया ये ऑपरेशन, हमने नाम दिया, हमने ही इसकी सारी रिकॉर्डिंग की, ये सब कुछ हमें पता चला कि यहाँ ये मीटिंग्स हैं. तो इट इज इनकरेक्ट जो बहुत जगह पे वर्जन आता है लोगों का कि जी एज इफ आईएसआई हैड लॉन्च्ड एन ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल्स टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट. इट वाज नॉट दैट. दिस ऑपरेशन वाज टू कैच पीपल हु वर इनसाइटिंग एमएनएस ऑफ पीपीपी एंड दोस सपोर्टिंग पीपीपी टू ब्रेक अवे फ्रॉम मोहतरमा एंड देन वोट अगेंस्ट हर इन द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. तो ये हमारा था टू सेव द गवर्नमेंट एट दैट पॉइंट ऑन टाइम. अब मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि टू सेव द गवर्नमेंट, बहुत लोग कहते हैं एंड दे ब्रिंग दिस अप कि ओके यू वर अ गवर्नमेंट सर्वेंट, योर ऑर्गेनाइजेशन वाज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सो व्हाई वुड यू वांट टू सेव अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट. ये एक पॉइंट लोग रेज करते हैं. इसका बड़ा सादा सा जवाब है. सादा सा जवाब ये कि अगर एक गवर्नमेंट खुद ब खुद गिर रही हो थ्रू एफर्ट्स ऑफ द पॉलिटिशियंस अगेंस्ट ईच अदर, या जहां पर वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ऐसी हो कि जिसमें वो खड़े होने की ताकत ना रखती हो, और एंड देन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू रिसरेक्ट दैट गवर्नमेंट, दैट इज रॉन्ग. बट अगर आप एक गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से गिराया जा रहा हो, तो उसमें यस, इट इज द ड्यूटी ऑफ द organizations involved to ensure that there is no political instability brought about through unconstitutional methods. Okay. Theek. Sir, ek 1995-96 ka operation, the Karachi operation, jo ke Farhatullah Babar sahab ka jo hai, wo usme zahir hai ke kaha jata hai ki unhone order kiya aur sara kiya, lekin uske hawale se aapka bhi usme jo hai kafi kirdaar raha hai, ya aapne bhi uske hawale se koi order kiya tha, wo kya thi baat? Okay. In the first place, it was not Farhatullah Babar. Farhatullah Babar was spokesperson, civilian. Sorry, मैंने गलत बोल दिया. जी जी जी, exactly. Nasirullah Khan, General Nasirullah Khan Babar. General Nasir Babar, जी बिल्कुल. देखिए जी, अगर आपको याद हो तो अभी भी लोग रोते हैं कि जी कराची क्यों पीछे रह गया सबसे. I mean, people, the politicians of Karachi and others, they're still, और जो नई नस्ल है जो आज 25-30 साल की है, उन्होंने तो 84 से 84 और 84 के बाद का पीरियड ही नहीं देखा. तो उनको ये समझ नहीं आती है कि दैट न्यू जनरेशन डजंट अंडरस्टैंड दैट कराची इज बैकवर्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री. मे बी डिस्पाइट द फैक्ट कि कराची इतना कुछ आपको रेवेन्यू देता है, सब कुछ, कि वहां इतनी हद तक वायलेंस थी कि ये तो आम सी बात थी कि कराची आज गया कल गया, ये हुआ वो हुआ, इस तरह की बातें होती रहती थी. देयर इज द टॉक अबाउट you know, creating a city-state and all that, and the Indian involvement and the rest involvement. It was a very serious situation which was threatening the very integrity of this country. Isme koi shak nahi hai. Agar koi kahe ki aisa nahi hai, so you can organize a debate and we can have a debate, no problem. Ab main ye keh raha hu ki ye operation is tarah hua ki wahan par us waqt 94 ke period tak aapka military operation 92 wala khatam ho chuka tha. जब जनरल जंजुआ के बाद जनरल काकर, वहीद काकर साहब ने टेक ओवर किया, इज अ लाइव, यू कैन आस्क हिम. तो उन्होंने ये पॉइंट ऑफ व्यू प्राइम मिनिस्टर को राइटली दिया कि आई एटलीस्ट आई एज अ सोल्जर, मैं खुद भी सोल्जर हूँ, आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस. जो आज वर्दी पहने हुए, ये वर्दी मैंने भी पहनी है.
हमने भी ये सारी इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज की हैं, सब कुछ किया, एंड आई हैव नेवर लाइक द फैक्ट दैट द आर्मी शुड बी स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ एनी सिटी ट्राइंग टू रिस्टोर ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि वो आपको फिर मासेस के साथ इन कॉन्टेक्ट ले आता है, एंड देन इट्स नॉट जस्ट नॉट राइट. पिछले दिनों आपने राइट्स देखे लाहौर में और बाकी मुल्क में, जी, जी, उसमें देखे ना पुलिस का और उनका जो कुछ ना, इसमें आप यू पुट इन योर फर्स्ट लाइन आर्म फोर्सेस, तो ऑब्वियसली फिर कुछ ना कुछ चलता रहता है. सो उन्होंने कहा कि हम, आई वुड नॉट लाइक माई आर्मी टू बी ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कराची. जनरल काकर ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एट दैट टाइम, तो प्राइम मिनिस्टर भी बड़े रेडिली उन्होंने भी एग्री किया. उन्होंने कहा कि it's a right thing to do that the army should not be in the streets, and therefore the civil organizations ko chahiye ke take over kare law and order ko. So army jab chali gayi to lazmi baat hai, jo itne bure halaat mein aaye the to bahut sara lid unhone situation pe dal diya tha. Wo violence kam ho gayi thi, sab kuch log koi idhar udhar bhag gaye the ya jo bhi tha, everything had come down. Mujhe aap 2 minute denge taaki main ek perspective में डाल दूं सारा, जी जी सर प्लीज, हमेशा के ले लो, जस्ट 2 मिनट कैरी ऑन जी. तो ये सिचुएशन थी जिसमें आपके पुलिस वाले कराची में वर्दी नहीं पहनते थे, योर मिलिट्री पीपल इन मलीर वर नॉट अलाउड टू कम टू द सिटी विदाउट थॉरो प्रॉपर एस्कॉर्ट, यू नो. तो अब ऐसे मुल्क में कोई एरिया होना चाहिए या ऐसी सिचुएशन हो कि आपके थानों पे फायरिंग हो रही हो, आपके थाने बिल्कुल मफलूज हो जाए, आपका लॉ एंड ऑर्डर टोटली खत्म हो जाए, your military or police cannot wear uniform in that city. So ye situation thi, aur us waqt jab fauj wapas gayi barrack mein, to then the violence increased manifold. Police was bebas, rangers was bebas, everybody was bebas, and that was the situation when the prime minister of Pakistan was also a very worried person. Unko bahut fikr thi ke ye kyun law and order is hal tak hai, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 1990 में जो 58(2)(b) के लगा के गुलाम इसा खान ने मोहतरमा की गवर्नमेंट तोड़ी थी, तो उसमें एक ये भी था कि लॉ एंड ऑर्डर ऑफ सिंध वाज पुअर, दैट वाज वन ऑफ द चार्जेस के उनकी गवर्नमेंट को तोड़ने के लिए. तो अब उनको ये भी फिक्र थी कि मे बी अगेन वही हो, क्योंकि 58(2)(b) आर्टिकल तो एग्जिस्ट कर रहा था. प्राइम मिनिस्टर चार साफियों को बुला के कह रहा, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, बस खत्म, दैट्स इट. So she asked me one day, I mean, I had done, dekhen aap jab kisi position par hote hain na, if you are a DGIB, if you are a DGISI, if you are a interior minister or whatever else, minister of commerce, aapko kisi ne kehna nahi hai ki ji aapne karna kya hai, aap jidhar baithe hue hain udhar aapko pata hona chahiye khud ke maine kya karna hai, or what is right for the country, or jo kya is mulk ke liye sahi hai ya kya galat hai. तो लाजमी बात है, हमने अपना सोचा था एज द इंटेलिजेंस चीफ ऑफ पाकिस्तान सिविल इंटेलिजेंस, आई वाज वरिड कि मेरे पूरे मुल्क में एक जगह पे क्यों ऐसा हो रहा है. तो एक प्रोसेस होता है इंटेलिजेंस गैदरिंग का, वो हम सब कुछ कर चुके हुए थे. तो एक दिन प्राइम मिनिस्टर के साथ दोपहर को मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे DIG कराची का सिट रैप दिखाया, जिसमें इतने लोग आज मरे हैं, इतने ये हुआ, इतना वो हुआ, जो कुछ लिखा होता. और वो मुझे उन्होंने जब कागज दिए, उनके वर्ड मुझे अभी भी याद हैं, उन्होंने कहा कि मसूद, व्हाट विल बिकम ऑफ कराची. तो मैंने उस वक्त उनको स्पॉन्टेनियसली कहा था कि इंशाल्लाह हम आपको 3-4 महीने में एक नॉर्मल कराची देंगे, क्योंकि हमने अपना इंटेलिजेंस वर्क किया हुआ था, वी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, व्हाई इट्स हैपनिंग. शॉर्ट कट करने के लिए तो उनने कहा कि जी यहाँ मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं, यहाँ पर सब ने अपनी तुम्हारा तो ये टूटी फूटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, इससे तुम कैसे करोगे. ऐसा ठीक है, आपका जहन नहीं मानता तो 6 महीने सही, बट यू विल गेट अ नॉर्मल कराची. ये मैं बात आज इसलिए करना चाह रहा हूँ कि अभी भी 20 साल बाद मैं देखता हूँ बहुत लोग दंदना रहे होते हैं कि जी कराची ये हो गया वो हो गया, बट दिस इज हाउ इट वॉज डन, और उसी का फल आज भी आप खा रहे हैं जो कुछ लोगों ने मेहनत की थी उस वक्त. तो कहने का मतलब यह है, she allowed, and the political will was there, she allowed an operation to be launched, and that's how it started, and it was conceived and run by the intelligence bureau. At that time I happened to command it. Okay, so uske baad ye ki I was surprised, in fact ke jab July mein humne shuru kiya tha operation, to by August September tak hum soch rahe the ke वो इतने बड़े बड़े हाथ सुनते थे, ये हाथ है वो हाथ है,
किधर गए वो हाथ, यू नो दैट्स हमारा सब बहुत कुछ इंटरनल होता है, बहुत कुछ इंटरनल होता है, हम खुद करते हैं, हमारे खुद लोग होते हैं सारा कुछ, एंड वी ब्लेम इट ऑन अदर्स। अगर आज भी आप इरादा कर लें इस मुल्क में किसी कोने में कुछ भी गलत नहीं होगा, बट अगर कोई इरादा कर ले कि मैंने ये सब कुछ ठीक करना है। ऑलराइट, मसूद शरीफ खटक साहब, जो टेलीफोन जजेस टेलीफोन केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो हुआ, और उससे पहले मोहतरमा के दौर में भी ये उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने भी जजेस के जो है वो टेलीफोन टेप करवाए हैं या किए हैं। मतलब यहाँ पर टेलीफोन टेप करना बड़ा ही आसान बात है, तो मतलब ये एक आम रूटीन प्रैक्टिस होती है या क्या होता है, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे। देखें, आप सही कह रही हैं, बहुत रूटीन होता है, बट ये नहीं है कि इस मुल्क में कानून है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको मैं बताऊं कि अगर आप लॉ के ऊपर स्ट्रिक्टली जाए ना, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑथराइज है टू टैप टेलीफोन विच आर ऑन द सिविल एक्सचेंजेस। सारे मुल्क में जो सिविल एक्सचेंजेस हैं उनमें से अगर आपने किसी नंबर को टैप करना है या होना है, तो यू कैन डू दैट। The only organization that the law authorizes is the intelligence bureau. Okay. जो services के exchanges है ना, navy, air force, army, बाकी सारे तीनों services के telephones को exchanges को ISI is authorized to tap any number. Navy के जो अपने हैं उनके navy के intelligence, air intelligence, ये नहीं है कि जो मर्जी जिधर भी चला जाए। जी 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 जी, I can understand sir. Yeah, I got it. You understand what I said? Yeah. So, and I can say that in my tenure, for instance, if anybody can prove that the Intelligence Bureau tapped a single number from the armed forces, we didn't go there because that was not in our domain. Okay. अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो बात कर रही हैं ना, तो ये होते हैं, law तो यही है कि जी the Prime Minister should authorize और सारा कुछ, वो procedure जो बाहर आप कोर्ट का हिंट कर रहे हैं ना कि बाहर ऐसे होता है वैसे, वो सारा प्रोसीजर यहाँ पर भी है, but it's not followed, it's not followed. ठीक, I didn't follow it, others didn't follow it. सर वो जस्टिस कयूम की टेप भी तो आई थी ना, जिसमें बेनजीर भुट्टो को जो है वो 7 साल की सजा देनी थी। देखिए, मैं आपको दोनों बातें क्लियर कर दूं। पहले आपने जजेस के फोन की बात की, ये है 96 की बात। 96 में जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट टूटी, तो उस पे उन्होंने कोई काफी सारे चार्जेस लगाए, 5-6 चार्जेस, जो के इस वजूहात की वजह से आपकी गवर्नमेंट को फारिग किया जाता है। अब वो बाकी सारी चीजें अखबारी थी, एवरीथिंग वाज न्यूज़पेपर बेस्ड रिपोर्ट्स के जी करप्शन है, ये है, वो है, रेगुलर फीचर ऑफ आवर पॉलिटिक्स। तो उसमें जो है एक पॉइंट था कि जी जजेस के टेलीफोन टैप हुए हैं, और दैट वाज द ओनली थिंग जिसमें प्रूफ मौजूद था। प्रूफ का मतलब यह है कि कैसेट्स मौजूद थी, ट्रांसक्रिप्ट्स मौजूद थी, क्योंकि हुआ था। अब वो मैंने उस जमाने में एक एफिडेविट दिया था टू द सुप्रीम कोर्ट बेंच, जो उस वक्त वो कर रहा था, उस केस को एडजुडिकेट कर रहा था। माई एफिडेविट रेड वेरी सिंपली, and it was a fact also ki my prime minister was not authorizing me on a daily basis, so mujhe ek task deti thi, us task ke andar main khud judge karta tha ki mujhe kya karna hai kya nahi karna, so I thought that was wrong to put it on her, so I took that whole responsibility on myself through an affidavit which I gave to the supreme court bench ki ye jo kuch aap telephone tapping ki baatein prime minister pe dal rahi hain, she never authorized this, she never did this, whatever happened rightly or wrongly is something jo hua hai mere hukm pe hua hai, ye bhi hua hai, iske alawa bhi hua, to iska okay. charge ko par aap prime minister pe nahi dal sakte hain. This affidavit exists, if you like I can send it to you, I might have it somewhere. To us pe inhone fir judges ne ek case bana liya human rights ka, ke tapping of judges telephone aur human rights ka 1843 concept hai उसके अंडर, और मुझे समन किया। तो उस जमाने में नया नया गवर्नमेंट टूटी थी, तो हम लोग सारे जो खास लोग थे उस गवर्नमेंट के, वी वर ऑल इधर उधर बंद थे हम, तो हमें अंडर एस्कॉर्ट एंड ऑल दैट आई वाज ब्रॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। सेनेटर फारूक नायक वाज माय लॉयर।
तो मैंने उनके एक दो जवाब जब सुने, मैंने कहा ये तो कोई फायदा नहीं है इनकी बातें का, क्योंकि यहाँ कोई लीगल मैटर तो ऐसा बड़ा इन्वॉल्व नहीं है. दे वॉन्ट टू नो हाउ इट हैपेंड, वाई इट हैपेंड, सो आई नो इट द बेस्ट. सो मैंने उसको कहा कि आप जज को कहें, बेंच को कहें कि जी मैं खुद सवाल उनके जवाब दूंगा. He told the bench and the bench allowed it. And then I took those questions myself. It was almost like being interrogated by the Supreme Court Chief Justice and two more judges for 2.5 hours. They kept interrogating me on the floor of the court. And I told them, I said, yes, you're not wrong. It has happened. I have done it. I ordered it. वजूहात क्या थी वो आप मुझसे पूछें, मैं आपको सारा बताऊंगा. तो उन्होंने वजूहात बताया कि एक चीज उन्होंने मुझे कही थी कि क्या नाम है, नेशनल सिक्योरिटी. आपने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी में क्या, तो व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी अबाउट द जजेस टेलीफोन. एंड दे वर राइट, क्वेश्चन जस्टिफाइड क्वेश्चन था. तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर मेरी सोच ये थी, गलत थी ऐसा ही थी, बस मेरी सोच ये थी कि आप जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दो पिलर्स हैं स्टेट के, और तीसरा लेजिस्लेचर है. तो अगर आप जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जैसे दो अहम पिलर्स एक दूसरे के साथ तसादुम के रास्ते पर हों, तो मैं सोचता था कि एज एन इंटेलिजेंस चीफ मुझे ये पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि इससे इंस्टेबिलिटी आएगी मुल्क में, और इंस्टेबिलिटी एक मुल्क में आती है तो नेशनल इंटरेस्ट कैसे नहीं इन्वॉल्व होता. तो चुप, उन्होंने चुप मेरे, दे हैड नो फर्दर क्वेश्चन. इस तरह के कुछ 2-2.5 घंटे मेरे साथ लगे रहे उन्होंने. Okay. And by the end of the thing, ये सईद उज़्ज़मान सिद्दीकी साहब थे और नासिर असलम जायद और I think बशीर जांगीरी साहब. और in the end, I could sense that they had developed a sense of respect, क्योंकि मेरे एक ऑफिसर जोश में आके उसने भी कोई he wanted to say something in my favor or whatever. तो जनरल नासिर असलम जायद उन्होंने कहा उसको कि you don't have to worry to say anything, और ऐसे करके उन्होंने कहा और former director general has taken it all on his shoulders. So, वो इस तरह का हुआ था, and I convinced them कि कोई ऐसी बात नहीं कि हम आपके private उसमें involved थे या कुछ और चीज़. Okay, sir. Routine, so it wasn't. ठीक. Sir, वो एक मैं बात करी थी जी. Justice Qayyum की. मेरे उसके बाद फिर वो केस आगे चला ही नहीं. Okay. सर, जस्टिस कयूम की एक कॉल बड़ी बहुत मशहूर हुई है. इतनी मर्तबा हम जब वो सुनते हैं कि जनाब वो बेनजीर भुट्टो को सजा देने की बात हो रही है कि 7 साल तक जो है वो इनको अंदर रखा जाए, कि क्या था मतलब एक इस तरह के आप उस वक्त जी बताइएगा. नहीं, मैं उस वक्त वहां नहीं था, बट देखिये जो आज भी गेमें चल रही हैं, जिस तरह की ये पार्टी होनी चाहिए, फलानी नहीं होनी चाहिए. सर, वो सेनेट, मैंने देखे ना, मैंने आपको कहा था कि जो सेनेट के इलेक्शन हुए अभी. हाँ, मैं आपको वहीं लेके जा रहा हूँ. फॉर इंस्टेंस, यू सी व्हाट जो आज का, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो लोग सुन रहे हैं उन्होंने वो चीजें नहीं सुनी, वो चीजें नहीं देखी, बिकॉज दे वर किड्स, यू नो, सम ऑफ द पीपल जो ये सुनेंगे तो वो आजकल को तो देख रहे हैं ना. सम पार्टी इज नाउ फेवर्ड पार्टी एंड दे कम अप, अनदर पार्टी इज कंडेम्ड, तो उसके सारे, तो वो ये गेम आज नहीं हो रही, कब से है, मेरे बाल सफेद हो गए ये सब कुछ देखते हुए. तो ऑल अलोंग तो वो भी ऐसा वक्त था कि व्हेन लाइक पीवीपी वाज सपोज टू बी यू नो अ थॉर्न इन द साइड और व्हाटएवर यू माइट कॉल इट. तो वो सारा हुआ था ये जस्टिस कयूम, और सरप्राइजिंगली के वही जस्टिस कयूम बाद में जरदारी साहब के साथ क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, अटॉर्नी जनरल भी रहे. कमाल है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज ये करप्शन हो गई, वो करप्शन हो गई. तो उस जमाने में वो सेनेटर उसको एहतसाबुर रहमान कहते थे, तो वो रोज लगे रहते थे. तो उनकी बातचीत होती थी इनके साथ, जस्टिस कयूम के साथ, एंड ही यूज्ड टू कन्वे द मैसेजेस. तो से मियां साहब ने बोला या बोला है, नहीं बोला है मुझे नहीं पता, बिकॉज दे वर नॉट ऑन द कैसेट, ही वाज ऑन द कैसेट मोस्टली. एंड वो जो है ना, उसमें यही होता था जी, इनको उनके वो लफ्ज भी मुझे याद है कि जी इनको तुन दें 7 साल और ये और वो, मैक्सिमम जितनी सजा होती है. सर, वो तो टेप सबने सुनी है, बिल्कुल.
वो ये सब कुछ इस तरह हुआ कि देन इट ट्रेवल्ड इनटू मुशर्रफ गवर्नमेंट. अब मुशर्रफ का ऑब्जेक्टिव क्या था पॉलिटिकली? उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि पीएमएलएन एंड पीपीपी शुड बी हिस्ट्री, ठीक है ना जी. वो खुद भी कहते थे ये क्लोज चैप्टर्स हैं. याद है आपको कि ये पीपीपी इज अ क्लोज चैप्टर, बीबी इज अ क्लोज चैप्टर, नवाज़ शरीफ इज अ क्लोज चैप्टर. तो वो कहने का मेरा मतलब यह है कि फ्रॉम दैट मियां साहब की गवर्नमेंट से ट्रैवल करता करता वो सारा कुछ आ गया इधर मुशर्रफ के टाइम पे. जस्टिस कयूम तो अपना काम कर चुके थे, तो उसके बाद फिर अपील लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में. बाय देन इन बिटवीन व्हाट हैपेंड वाज आई वाज इन हॉस्पिटल इन 2000 मार्च एंड आई वाज वेरी सीरियस. उस वक्त एक मेरा आईबी का ऑफिसर एंड आई डोंट माइंड ही वाज माय वेरी जूनियर एसोसिएट मतलब इन द सेंस ही वाज लाइक अ वेरी जूनियर रैंक एट दैट टाइम व्हेन आई वाज डीजीआईबी. But I have tremendous respect for that man. I have tremendous respect उसके लिए. मेरे दिल में इतनी इज्जत है कि जिसका मैं बयान भी नहीं कर सकता. रैंक्स के साथ से इज्जत नहीं होती. He was in the knowledge of this. तो ये मेरे पास हॉस्पिटल में जबकि मैं आईसीयू से मेरा ख्याल है आए हुए मुझे कुछ घंटे ही हुए थे, तो ये मुझे देखने आया और कह सर हमें आपसे एक बात करनी है. And he said that it's very. He told me about these cassettes. मैं नहीं था आईबी में उस वक्त. तो जब इनका नाम है राणा अब्दुल रहीम, people must know his name. कि ऐसे लोग भी होते हैं. ठीक है, बाद में उनको बहुत रगड़ा लगा, सब कुछ लगा, but ऐसे लोग जो अपने जमीर के साथ खड़े होते हैं. उसने जब मेरे को पूछा कि सर ऐसी बात है ये वो, तो ये अभी केस भी आने वाला है ये वो, तो आई couldn't trust anybody else other than you. तो मैं आपके पास ये लेके आया हूँ, ये बात लेके आया हूँ, तो आप कैसे करना चाह रहे हैं? तो मैंने कहा देखो ये तो बहुत बड़ा वो है. तो do you have something in your mind? Do you have a price in your mind? क्या, why do you want to do this? तो मैंने कहा अगर उस वक्त आप देखेंगे अगर वो जिस बंदे के पास ऐसी चीज थी वो अगर कोई भी प्राइस अपनी लगाता ना इतने मिलियन डॉलर या इतना ये, तो शायद कुछ ना कुछ हो जाती बिकॉज सारी सारा कुछ उसमें था. He said, "Sir, it's my conscience. This was an elected Prime Minister of Pakistan. मैं उनको जानता भी नहीं हूँ. But ये कहाँ का इंसाफ है कि जहाँ इस तरीके से एक elected Prime Minister उसको गिरने के बाद उसको यहाँ तक पहुँचाया जाए. तो मेरी कोई प्राइस नहीं है. And the man did not take anything in return. When he made those cassettes available to me, ab to retire ho gaya kafi, matlab he has had a lot of sufferings also. Yeah. So, zameer ke saath aap khade nahi ho sakte is mulk mein. Exactly. Main bhi sir yahi kehne lagi thi ki us shakhs ke andar zameer baki tha na, usne apne zameer ke tehat tha. Maine clear cut usko question kiya. I said, what's your price? He said, nothing. Yeah, I just can't stand it ke ek prime minister जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था उसको इस तरीके से वहां तक पहुंचाया जाए. ठीक. तो वो जब आया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फिर वो कैसेट्स को सुना, तो उन्होंने बेबस होके, अब इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ, ये आजकल जो जज बशीर साहब थे अल्लाह बख्शे उनको चले गए, कोई कहता है इसका फोरेंसिक कराओ, कोई उसका कोई कुछ कराओ, ऑल दोस कैसेट्स आर हिज, ही इज सेइंग ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, चीज उसी तरह की तकरीबन बनती है. तो ये हमारे मुल्क में कोई आज उस वक्त नहीं था, आज भी है, कल भी है, परसों भी होगा शायद. अनफॉर्चुनेटली हमारी बदबख्ती है कि चलता ही रहेगा सारा हमेशा के लिए. तो समवेयर डाउन द रोड एवरीबॉडी जो मैटर करते हैं ना इस मुल्क में, उनको सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए कि हम इस मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं. ठीक, सही. और ये कि आपने जो है वो मिडनाइट जो कॉल एट द एंड, हम उसी पे वापस आते हैं प्रोग्राम खत्म करने से पहले, कि आपने गो के एक बहुत बड़ा काम किया, एक ऐसा ऑपरेशन जिसके ऊपर आपने वो टेप्स जो हैं वो पता चला, सीक्रेट जो उनकी कन्वर्सेशन थी सामने आई, सब कुछ हुआ. लेकिन इसके बावजूद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को उसके थोड़े अरसे के बाद कुछ और इल्जाम लगा के वो आखिरकार उनकी जो हुकूमत है वो खत्म कर दी गई. तो
बहरहाल सुशी फटक साहब, एट दी एंड आप कुछ कहना चाहें तो आप प्लीज गो अहेड, और उसके बाद हम प्रोग्राम खत्म कर देंगे। छोटी सी बात कहूंगा कि मोहतरमा की वो जो गवर्नमेंट, उसके बाद वो देखें जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, उस वक्त द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान, ही वाज अगेंस्ट हर। अब फिर मैं कहूंगा कि कैसे बोलूं, जनरल साहब असलम बेग साहब मेरे बड़े हैं, मेरे पलटन के, मैं एक ही पलटन यूनिट के हैं, बट उस वक्त ही वाज आल्सो अगेंस्ट द फैक्ट दैट ही शुड, शी शुड रिमेन प्राइम मिनिस्टर। I don't know for what reason. There was no कोई ऐसी वजूहत नहीं थी, ये जो है ना कि इंडिया और ऑल दिस इज ऑल नॉनसेंस, देयर इज नथिंग, बस उनको हटाना है जी। अब एक सेकंड जी, जब ये दोनों चीजें अगेंस्ट हो जाएं, तो इसका मतलब है जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं अदर देन द सिविलियन, वो भी आपके खिलाफ है, ठीक है। पंजाब की गवर्नमेंट अंडर मियां साहब उस वक्त वो भी खिलाफ, बिकॉज ही वाज he was her basically her political क्या उसको कहते हैं कि बराबरी वाला ना, कि although he was chief minister, और उनको replace करने के लिए वही लाए गए थे, ठीक है। वो अब मैं ये देखूं कि ये सारे लोग उनके खिलाफ थे, सारे लोग, सिर्फ एक केपी में लंगड़ी लूली से एक पीपीपी की गवर्नमेंट थी शेरपाओ की, but still we won that vote of no confidence by 9 votes. अब उसमें अंदर क्या काम हुए, कैसे हुए, खुद ब खुद तो नहीं हुआ ना, मिडनाइट जैक कॉल ऑपरेशन, या ओके, नॉट ओनली मिडनाइट जैक कॉल, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट हैपेंड, एंड आई ये चीजें खुद नहीं होती। इतना सब कुछ के खिलाफ बावजूद द प्राइम मिनिस्टर वाज केप्ट इंटैक्ट, और उसके बाद फिर ये अक्टूबर 1989 की बात है, और अगस्त 1990 में प्रेसिडेंट साहब ने इकट्ठा किया लोगों को एंड मैं डिसमिस करता हूँ। एक बड़ा अच्छा वाक्या मुझे याद आ रहा है, अगर आपके पास टाइम है। जी सर, ये जब 90 में ना रात को कोई 2 बजे के करीब मैंने जाके शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को एडीसी को कहा कि आई लाइक टू मीट द प्राइम मिनिस्टर, तो उसने एडीसी ने कॉल किया, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझसे पूछा एडीसी खैर है, मैंने कहा यार कि मैं इस वक्त आया हूँ तो खैर तो नहीं होगी ना, समथिंग लाइक दैट। तो बहरहाल द प्राइम मिनिस्टर आस्क मी के लाउंज में इंतजार करें, मैं आती हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर आई नीचे, कोई ढाई बज चुके थे, तो कहती हैं कि मसूद खैर है, ऐसे प्राइम मिनिस्टर खैर होता तो आई वुडंट बी हियर एट दिस टाइम। तो शी सेड व्हाट्स द मैटर, आई सेड द प्राइम मिनिस्टर हैज डिसाइडेड टू डिसमिस योर गवर्नमेंट टुमारो, 5th or 6th की रात अगस्त में। तो कहती हैं कि बट व्हाई, शी हैड नो आइडिया। तो आई सेड नहीं, बाय अबाउट 5 o'clock ही विल कॉल अ प्रेस कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 58(2)(b) एंड दैट्स इट। तो हमने बहुत सोचा आपस में बैठा, वी हैड अबाउट 2 hours डिस्कशन बिटवीन मी एंड द प्राइम मिनिस्टर। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने सारे ऑप्शंस कंसिडर किए कि मैं असेंबली तोड़ दूं, तो हमने कहा असेंबली आप तोड़ देंगे तो कहेंगे कि ये तो भाग के चले गए, तो हम क्या करें, यू गेट माई पॉइंट। देयर वाज नथिंग दैट शी कुड डू, एंड इवेंचुअली वी डिसाइडेड एंड शी डिसाइडेड दैट के बिजनेस एज यूजुअल। तो उन्होंने मुझे सुबह फिर रिंग किया और उन्होंने कहा कि 11 बजे करीब के आई हैव स्पोकन टू द प्रेसिडेंट, मैंने प्रेसिडेंट से बात की है गुलाम इसहाक खान से, और वो कहते हैं कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाला। आई सेड प्राइम मिनिस्टर आपको दुस्त नहीं कह रहे हैं, आई इज द प्रेसिडेंट, आई कांट से एनीथिंग, बट आई एम श्योर ही इज नॉट टेलिंग यू द फैक्चुअल थिंग एंड इट्स ऑल डिसाइडेड, बट आई विल चेक बैक अगेन और मैं आपसे फिर थोड़ी देर में रابطہ करूंगा। मैंने अपना फिर दोबारा कंफर्म किया सारा कुछ जैसे भी था थ्रू माय सोर्सेज, एंड आई वेंट टू द प्राइम मिनिस्टर को 3 बजे 2:30 का टाइम होगा, 2:30 बजे समवेयर इन द आफ्टरनून अबाउट दैट टाइम। तो मैंने उनको कहा, उन्होंने मेरे सामने प्राइम प्रेसिडेंट से बात की। अब देखें प्रेसिडेंट, अगर मैं प्रेसिडेंट हूं ना, मैंने आपको डिसमिस करना, आई वुड से प्राइम मिनिस्टर आई एम नॉट हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, आई एम सॉरी यू हैव टू गो। मैं आपको नहीं 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 मैंने नहीं करना, और उसके बाद आप 2 घंटे के बाद गवर्नमेंट डिसमिस कर दें,
एट दैट लेवल द प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को कह रहा है कि मेरा कोई इरादा नहीं है. प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फॉरिट. ये 90 की बात कर रहा हूँ मैं. जी 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 90 जी, आप देखें कितना कितना हो गया 31 years ago. But you know, like I think it's time that we started learning something or इस मुल्क को हम कुछ ना कुछ बना लें. जी जी बिल्कुल. आपने बहुत सी ऐसी बातें की जो कि बहुत से लोग ऐसे जो बिल्कुल नहीं जानते उनको पता चला होगा. और बहुत मजा आता है जो आप जब पास्ट में जाते हैं और बातें, और आपके पास तो एक बहुत बहुत ज्यादा बात. लेकिन हम किसी और दिन फिर दोबारा एक सिटिंग रखेंगे और फिर कुछ और उस दौर के मुतरमा की हुकूमत के दौरान जो कुछ जो आपके साथ जो जो कुछ बीतती रही उस पर बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. थैंक यू जी. ग्रेटफुल. थैंक यू. मेरा भी इरादा यही था कि लोगों को पता चले इस तरह. जी जी. थैंक यू.